हाय गाइस, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज की बिजी लाइफ में हम अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कम एज में ही हमें काफी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, हमारा स्टेमिना बहुत कम हो गया है, एनर्जी भी लो रहती है और एंड्योरेंस भी लो रहती है। स्टेमिना बेसिकली इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको मेंटल एंड फिजिकल वर्क करने में हेल्प करता है। आप हाई स्टेमिना की वजह से डेली एक्टिविटीज को भी काफी इजीली परफॉर्म कर पाते हैं एंड लो स्टेमिना की वजह से जल्दी थकान हो जाती है और साथ ही साथ पर्सनल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। जैसे कि मेल्स में लो स्पर्म काउंट हो जाता है, लो स्पर्म मोटिलिटी एंड इवन लो टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इशू हो जाता है। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और नेचुरल सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो आपके एनर्जी लेवल और स्टैमिना को बूस्ट करेगा और आपकी स्ट्रेंथ को वापस लाने में काफी हेल्प। तो मैं बात कर रही हूँ नेचर श्योर के गैनोडर्मा कैप्सूल्स की, जिसे हम रेशी मशरूम के नाम से भी जानते हैं। हम सबको पता है कि रेशी मशरूम स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्टडीज से भी ये पता चला है कि रेशी मशरूम फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल है। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। इसके स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मैंने खुद इसको फील किया है, और आप खुद देखोगे कि आपका एनर्जी लेवल एंड स्टेमिना इसकी हेल्प से काफी तेजी से बूस्ट होगा। ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी बहुत कम करने में हेल्प करेगा। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको लेना कैसे है। इसे आपको 2 कैप्सूल मॉर्निंग में लेने हैं एंड 2 कैप्सूल आपको इवनिंग में लेने हैं खाने से पहले। सो गाइस, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आपको आज की डेट में ये प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करना चाहिए।